ये सब बातों में ना मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं है। देखा भाव भगवान ने यार 1-1.5 बजे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो इसलिए यार 5 बजे हम चेकआउट करके होटल से और निकल गए काठमांडू के लिए। तो यार अब आपको मिलते हैं सीधा काठमांडू रात का, आपको दिखाएंगे ज़बरदस्त जगह यार। जब मैंने उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा। तो हाँ जी गाइस, यार आपको पता है जैसे सुबह 5 बजे चले थे, तो यार अभी टाइम हो गया 11 बज चुके हैं सुबह के। तो अभी यार 1 घंटे की चलनी और बची है, 86 किलोमीटर बचा है। तो यार अभी रुके थे यार खाना खाने के लिए। तो यार यहाँ पे बारिश जो है ना भाई वो ज़बरदस्त हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काठमांडू जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर पूरा यार 1 वीक के लिए बारिश ही आ रही है। यहाँ पर मानसून स्टार्ट है, तो यार बारिश आपको दिखाता हूँ, ये देखो बारिश कैसे हो रही है। यार इधर रही अपनी बस, सामने अपनी बस लगी है, बारिश दबा के हो रही है। अब सीधा यार आपको काठमांडू ही मिलेंगे, क्योंकि यार बस में ना यार बैठ बैठ के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसीलिए यार मैं ट्रेन प्रेफर करता हूँ। लेकिन नेपाल में यार ट्रेन का कोई भी है नहीं, सहूलत नहीं, यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती, यहाँ पर बस ही लेनी पड़ती कहीं भी जाने के लिए। यार अभी सीधा आपको काठमांडू ही मिलते हैं। सो फाइनली गाइज यार काठमांडू पहुंच चुके हैं। सुबह बैठे थे यार 5 बजे बस में, तो यार अभी टाइम हो गया शाम के 4:15। तो यार पूरे 11 घंटे के बाद यार अभी बस ने उतारा है काठमांडू। तो यार पीछे आप बादल देख सकते हैं यार, बादल यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे मानसून स्टार्ट है, अभी अभी बारिश होकर हटी है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं हॉस्टल, हॉस्टल जाके रेस्ट वेस्ट करेंगे यार, रेस्ट करने के बाद फिर शाम को निकलेंगे और शाम को आपको भी दिखाएंगे मार्केट का नज़ारा। तो अभी यार सबसे पहले हॉस्टल चलते हैं, हॉस्टल मैंने बुक कर लिया है। हॉस्टल जो मैंने बुक किया है वो बस स्टैंड से 1 किलोमीटर नीचे है। बस स्टैंड वाली साइड क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मेरे को किसी ने बताया था कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, तो आप उस साइड मत करना, राइट साइड नीचे की तरफ यार मार्केट है उधर करना। तो यार ये जो नीचे की तरफ मार्केट है ये थामेल मार्केट है यहाँ की, तो वहाँ मैंने बुक किया है, मेरे को पड़ा है 128 रुपीज़ में। यार 128 में आपको मैं दिखाऊँगा हॉस्टल, आप चेक करना 128 में कितना बेस्ट है। तो अभी सीधा मिलते हैं आपको हॉस्टल, यार चलते फिर। 15 minutes later. So finally guys, यार 15-20 मिनट ढूंढने के बाद फाइनली हमारा यार होटल मिल चुका है। तो यार होटल अपने बिल्कुल सामने है, आपको भी दिखाते हैं, होटल सिल्वर होम। यार काफी बड़ा होटल है, अभी अंदर चलते हैं, रिसेप्शन पे जाके बात करते हैं, एंट्री करते हैं और मिलते हैं आपको रूम में सीधा। सो फाइनली गाइज यार रूम में आ चुके हैं, और यार रूम जो है ना इतना ज़बरदस्त रूम मिला है ना यार, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि यार मैं इतने सस्ते में इतना अच्छा रूम कैसे ढूंढ लेता हूँ। यार पता नहीं यार जैसे जैसे यार ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो यार एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो यार वो एक्सपीरियंस ही है जो ऐसे रूम दिलवा देता है यार, या ऐसे होटल दिलवा देता है। यार ये जो रूम है ये मेरे को पड़ा है 128 रुपीज़ में, यार 128 रुपीज़ में पड़ा है। और आपको एक बार रूम दिखा दूँ आप खुद भी विश्वास नहीं करोगे। तो अगर किसी भाई को लगता होगा कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो भाई इसके लिए यार मेरे पास जो होटल की बुकिंग है वो भी रहती है, मैं वो भी उसको इंस्टाग्राम पर भेज दूँगा। तो अभी आपको रूम दिखाता हूँ यार, ये मेन एंट्रेंस भाई, यहाँ पर चेयर लगी है बैठने के लिए, टेबल लगा हुआ है सामान रखने के लिए, इधर आपका तैयार होने के लिए टेबल है, मिरर लगा हुआ है, एलईडी वर्किंग कंडीशन में यहाँ से ऑन हो जाएगी। उसके अलावा बेड देखो यार, डबल बेड है, और मैट्रेस भी बहुत अच्छे यार, बिल्कुल फ्लफी है। तो यार काफ़ी अच्छे मैट्रेस हैं, और बाहर का व्यू है यार, इधर भी चेयर लगी है, टेबल लगा है सामान रखने के लिए, छोटा टेबल दिया हुआ है, ड्रॉअर दिया हुआ है सामान रखने के लिए। तो इधर है बाहर का व्यू, तो यार आपको पता जैसे मैंने चेक इन तो कर लिया था गाइस। तो यार सुबह 5 बजे का बस में बैठा हूँ, तो 5 बजे का बैठा सुबह, शाम के 4:30 पहुँचा यहाँ पे। तो यार अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, और अब यार सामान सामान रख दिया है, चेक इन कर दिया है। तो अब यार सबसे पहले मार्केट चलते हैं और जाके पहले खाना खाते हैं कुछ ना कुछ, तो फिर उसके बाद ही यार बाकी का काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यार कुछ खाना है।
बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, सुबह से आया था तभी तक कुछ खाया नहीं है, तो आपको दिखाते हैं मार्केट भी और जाके खाना भी खाते हैं, तो चलते हैं फिर। सो गाइज यार, पूरी मार्केट घूमने के बाद यार फाइनली हमें पराठे मिल चुके हैं, तो हमने यार आलू पराठा करवाया अभी, तो देखते हैं खा के। जैसे आपको पता है यार, कल मैंने नेपाली डिश ट्राई की थी तो यार मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार उसमें पता नहीं क्या यार बिना नमक के थी, तो उसके कारण यार मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो अभी मैंने आलू पराठा करवाया, देखते हैं कैसे दो करवाए हैं खा के, फिर देखते हैं अगर अच्छे लगेंगे तो और करवा लेंगे। तो इसका जो प्राइस है वो यार 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ मतलब एक पराठे का 50 है, तो दो करवाए मैंने 100 रुपीज़ के, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से यार वो 60-65 रुपये के पड़ेंगे हमें, तो देखते हैं यार खा के। तो फाइनली यार अपने पराठे आ चुके हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कैसे हैं, तो आप भी देखो यार कैसे इन्होंने सॉसेज दिए साथ में, तो सॉस के साथ खाना है, साथ में एक चटनी सी दी है, पता नहीं क्या है, कोई किसी चीज़ की ग्रेवी है शायद, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यार ये रहा पराठा और ये रही अपनी चटनी और ये साथ में ग्रेवी है, तो अब मिलते हैं सीधा आपको खा के, फिर खा के सीधा रूम में चलते हैं और रूम में जाके फिर करते हैं बातें आज इंस्टाग्राम पे। गाइस यार अगर बात करें परोंठे के साइज़ की, तो यार परोंठा कम ही है, कुलचा ज़्यादा यार, इसका साइज़ देखो एक बार, द प्लेट से बाहर जा रहा है भाई। तो वैसे यार मैं 3-3, 4-4 मतलब 6-6 भी खा जाता हूँ परोंठे, लेकिन ये 2 ही मेरे को बहुत लग रहे हैं। तो अभी यार मेरे को तो बहुत टेस्टी लगा यार, ये जो मतलब सॉस थी ये थी गार्लिक, और ये है गार्लिक प्लस जो मीठी सॉस रहती मिक्स, तो अभी खा के मिलते हैं आपको। तो गाइस यार टाइम हो चुके हैं रात के 8:30, तो मैंने सोचा यार रूम में फ्री बैठे हैं तो चलो मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं, तो चलते हैं यार मार्केट एक्सप्लोर करने और आपको भी दिखाते हैं यार मार्केट का नज़ारा, तो देखते हैं यार मार्केट कैसी है और क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि अभी तो वही थी बारिश, तो बारिश के कारण अभी मेरे हिसाब से मार्केट में यार भीड़ कम होगी, तो आपको भी दिखाते हैं मार्केट के नज़ारे, चलते हैं फिर। A few moments later. तो हाँ जी गाइस यार जैसे मैंने आपको बताया था यार मैं मार्केट जा रहा हूँ और यार मार्केट एक्सप्लोर करेंगे रात के टाइम, तो यार क्योंकि नेटवर्क ना होने की वजह से यार मैंने यहाँ पे कुछ सर्च नहीं किया था, मैंने सीधा कल यार मेरे पास वाईफाई था वहाँ पे हॉस्टल में, तो मैंने ये बुक कर लिया था। तो यार आज जब मैं मार्केट गया तब मेरे को पता चला यार ये यहाँ की फेमस मार्केट है, इसका नाम थंबनेल है यार, थंबनेल यहाँ की फेमस मार्केट है। आपने बहुत सारे व्लॉग देखेंगे यार, बहुत सारे व्लॉगों में ये इसकी नाइट लाइफ बताई गई है, ये नाइट लाइफ के लिए फेमस है यार। यहाँ पे क्या ज़्यादातर तो थाई स्पा मसाज सेंटर है और उसके अलावा है अपना कसिनो और बार। तो यार कसिनो बार आपको पता है मैं यार इसी चीज़ें पसंद करता नहीं हूँ, बार पब क्लब, तो यार यहाँ पे बस वही है, पब या क्लब या फिर कसिनो, यहाँ पे मेनली नाइट लाइफ है। तो यार मैं 1 घंटा घूमता रहा मार्केट में, लेकिन यार हर जगह स्कैम ही स्कैम है भाई, हर बंदा बस आपको खींच रहा है, बोल रहा है भाई आ जाओ क्लब में आओ क्लब में आओ क्लब में आओ, कोई बोला क्लब में आओ, कोई बोल रहा है मसाज करवा लो। तो यार आप जब भी यार सोलो ट्रैवल करते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना यार, ये सब स्कैम होता है भाई। तो मेरे को कुछ लोकल भाइयों ने बताया भी था कि ये सब पैसे छीन लेते हैं और आपका फ़ोन भी छीन लेते हैं, और ये वो एरिया है यार यहाँ पे पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं करती। तो जब भी आप यार ट्रैवल करते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो फिर मैं यार ऐसे ही 1 घंटा ऐसे ही मार्केट घूमता रहा लोकल, तो बाज़ार घूम घाम के वापस आ गया, तो मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसलिए फिर वहाँ पे व्लॉग किया ही नहीं भाई, क्योंकि वो व्लॉग करने वाली हालत ही नहीं है भाई, हर बंदा यार अपनी तरफ खींच रहा है। तो बस आज के व्लॉग को यार यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।